देखिए तो तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कोस्टल कर्नाटका की, भारी बारिश के कारण किस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो खेतों तक घुस आया है, घरों तक घुस आया है, और बारिश जैसे कि आप देख सकते हैं दोबारा शुरू हो गई है और लगातार रुक रुक कर चल रही। इसी बारिश के कारण जो है पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों के घरों तक ये पानी घुस रहा है, जिसके चलते लोगों की जिंदगी जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि यहाँ से अगर उन्हें निकलना हो तो बोट के सहारे के बिना नहीं निकल पा रहे। जरूरी सामान तक अगर खरीदना है तो उन्हें बोट का सहारा लेना पड़ रहा है सड़क तक पहुंचने के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं बड़ाकेरे गांव की तस्वीरें, जहां पर घर जो है पानी का स्तर अभी हालांकि थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि पानी का स्तर जो है वो कम होने के बावजूद अभी भी उनके घरों तक ये पानी आपको दिखाई देगा। बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे लगातार भारी बारिश हो रही है लोगों की मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। तस्वीरें आप साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, और हमें खुद यहाँ तक अगर पहुंचना है था तो हमें बोट का सहारा लेना पड़ा। आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से घर जो है वो कुछ इस तरह से पानी में अभी भी है, और जो जो सामान लोगों का खास तौर पर खराब हो चुका है इस पानी के साथ आई मड के कारण, तो वो अब सुबह से ही जो है लोग अपने घरों को साफ करने में जुटे हैं, सामान को धोने में जुटे हैं। तो इस तरह की ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई देगी, बड़ाकेरी की ये तस्वीरें। और आपको ये भी बता दे कि रेड अलर्ट अभी भी जारी है और आईएमडी ने साफ कहा है कि कोस्टल कर्नाटका के 3 जिले खास तौर पर दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी और उत्तर कन्नड़ा जिलों में भारी से भारी बारिश आज भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन कुशला कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज़, बड़ाकेरे।